हे गाइस नमस्ते जी जुले वेलकम बैक टू हिमालयन फैमिली मैन एंड चलिए आपको ले चलते हैं सीधा लाहौल से कुल्लू की ओर। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं अपने होम टाउन एंड वी आर एट आवर स्वीट होम। तो अभी हम लोग हमारा जो पीने का पानी है नेचुरल सोर्स तो वहां से पानी बंद हो गया है क्योंकि आजकल पिछले कल बारिश हुई है बहुत ज़्यादा। बस उसी को चेक करने के लिए मम्मी और मैं निकले हैं अभी एडवेंचर पे। देखिए ये देखिए जंगल, मम्मी साथ में थोड़ा सा जो वाइड ग्रास उसको कट कर रहे हैं गाय के लिए। ये देखिए इसको हमारी लैंग्वेज में कहते हैं नगा। ये देखिए और मम्मी जो है वो लिंगड़ भी साथ साथ में कर रहे हैं। देखिए यस आज हम लिंगड़ की सब्जी भी खाएंगे गाइस। ये देखिए गाइस पूरा घना बान का जंगल है गाइस। यहाँ पे देखिए बान का घना जंगल। ओह माय गॉड ये देखिए गाइस लिंगुड़ टाकोली डांगा किधर के शेजो किधर का ओड़े बूटा ये दुगा लागी इसमें। अच्छा हां देखो ती तो बात की भाड़ू तेरा बाद रे बगी तो पानी आ गुती अबर मेरे जोन से ते खोले। अच्छा तो भी त्याग रे उंदे चूसा। हां हां चलो मत ना तो हम कड़ा भी दिखा इतना मुँह आओ नहीं नहीं। हाँ तो गाइस समझे आप, तो जो लोग हमारे कुल्लू से हैं वो लोग समझ गए होंगे कि मेरी माँ ने किन पहाड़ी शब्दों का इस्तेमाल किया। तो अब मैं जा रहा हूँ डायरेक्टली सोर्स के पास क्योंकि वहाँ पर मम्मी कह रहे हैं कि एक जॉइंट लगा है थोड़ा सा आगे। गॉड गाइस आप सोच रहे होंगे क्या कर रहा हूँ, मकड़ी के जाले फंस रहे हैं। इसी तरह की ना आप कुछ हमारी भाषा में से छाछी कहते हैं छाछी, तो छाछी भी लगती है तो छाछी की सब्जी बनती है गाइस बहुत ही डिलीशियस। ये देखिए इसे कहते हैं हमारी भाषा में शड़ुई। तो गाइस देखिए ये जो प्लांट है ना बहुत ही यू नो प्राइसलेस गाइस। आपको मैं बताऊं आज से, अब तो शायद क्योंकि अब तो बड़े बड़े आर्टिफिशियल मैट्स लग गए हैं बनने गाइस, तो पहले क्या होता था ट्रेडिशनल वे में गाँव में, तो पहले इसी शड़ुई की जो है ना इसको निकाल के जब इसके बड़े बड़े पत्ते होते हैं तो उनके बीच में जो धान का रॉ मटेरियल था दाने निकालने के बाद इसको हम पड़ा कहते हैं हमारी भाषा में, तो उसको ना बिल्कुल ऐसे यू नो पे एक तरह से बंडल बंडल सा बना के उसके बाहर से इसको रैप करते हैं ऐसे इस तरह से रैप, क्योंकि इसको सुखाते हैं और पानी में रखते हैं डाल के इसके बाद ना ये थोड़ा सा लचीला हो जाता है फ्लेक्सीबल। तो फिर जाके गाइस बनती थी मंदरियाँ तरह का मैट होता था ट्रेडिशनल और बहुत लॉन्ग लाइफ होती थी उसकी गाइस। लेकिन अब तो इन चीज़ों का और ख़त्म हो चुका है तो कहीं कहीं कुछ घरों में आपको मिलेगी तो आपको ज़रूर आज फोटो दिखाऊंगा। देखिए गाइस इस मकड़ी की मैं बात कर रहा था, देखिए अभी अपने साथ जाला ही लेके घूम रही है। ये देखिए वाह वाह गाइस इतने घने जंगल को देख के ना आज तो कुछ अलग ही फीलिंग आ रही है। रियली आई एम मिसिंग यू नो बिल ग्रिल द वाइल्ड मैन। ओह माय गॉड मंकी है वहाँ की कौन है भैया, कुछ पत्थर गिरने का कुछ आवाज़ आ रही है वहाँ पर इधर। गाइस जंगल इतना घना है ना अकेले आने की तो हिम्मत नहीं पड़ती इधर, तो मुझे मम्मी पूछ रहे थे कि भैया जा सकते हो अकेले या नहीं, कहा कि मैं चलता हूँ लेकिन ऐसी ऐसी आवाज़ें आएगी तो भैया बड़ा मुश्किल हो जाएगा। वह जनरली सर की आवाज़ करते हैं ना, मान लीजिए कोई जंगली जानवर हो भालू वालू आपको तो पता ही है भालू वालू बना देता है, तो इसलिए थोड़ा सा आवाज़ करके चलना पड़ता है ताकि हम उसको सचेत कर दें कि भैया हम हैं जाइए और हमें मत डराइए। तो ये देखिए गाइस मैं पहुंच चुका हूं पानी के सोर्स के पास। तो ये है हमारे पानी का सोर्स, ये देखिए। और नेक्स्ट ये जॉइंट की बात कर रहे थे माता जी, वो जॉइंट है आपका आई थिंक यहाँ पर एक जॉइंट दिया है पत्थर के पास। ये देखिए ये जॉइंट है, चेक करना पड़ेगा यदि इस जॉइंट पे पानी निकलता है तो मीन्स कि पीछे से ठीक पानी थोड़ा आ भी रहा है जा भी रहा है प्रेशर के साथ नहीं है, इट मीन्स कि पीछे से ही थोड़ा गड़बड़ है। ये चांसेस वही है क्योंकि बारिश हुई है तो गाइस तो चांसेस हैं कि आगे शायद या तो मिट्टी वाला फंस गया हो पत्थर वाला फंस गया हो, तो देखते हैं क्या फंसा है। ये तो अब ये निकालना पड़ेगा गाइस, अब बड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी यहाँ पे।
ओह माय गॉड, ये तो काफी पीछे है। पत्थर से भी उंगली में लगी है। जैसा है गाइस, पाइप का मुंह। ओह माय गॉड, ये तो बड़ा आगे है गाइस। अच्छा गाइस, यही थी पाइप, मुझे लगा साहब अंदर है, कुछ तो फंसा तो नहीं है। अब थोड़ा नीचे से, जहाँ से मैंने जॉइंट खोला है ना, नीचे से क्या है यार, यहीं से खोलना पड़ेगा गाइस। देखिए जरा ऊपर, सोर से ऊपर ये, इधर देखते हैं जरा, यहाँ तो नहीं है जॉइंट कोई, क्योंकि इसमें तो नहीं है जॉइंट। अच्छा यहीं पर रहे जॉइंट गाइस। देखिए कैसे पानी जोड़ा जाता है, पहले इसको खोल देते हैं यहाँ से, ताकि कहीं वगैरह ना लिया उसने। खुल जसिम सिम, ये गाइस यहीं पे पानी नहीं आ रहा, देखिए। ओह माय गॉड, ये देखिए गाइस, ये कारण था पानी ना आने का, इसमें देखिए फंसा था कुछ। प्रेशर में आ जा, ये देखिए गाइस, ये फंसा था इसमें, देखिए अभी मुंह के अंदर चला गया था, कीड़ा तो नहीं है, नहीं ये शैवाल फंसा है, देखिए आ गया आ गया। और देखिए गाइस, ये देखिए कितना सारा निकला, ये देखिए अब चला पानी फ्लो में गाइस, देखिए ये हम हो गए कामयाब। और अब देखिए पानी कितना साफ है, ये देखिए बिल्कुल एक भी, बिल्कुल देखो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर वाटर। अब वापस लगा देते हैं जॉइंट को, उसके बाद इस जॉइंट को लगा देते हैं, मेन जो जॉइंट है। तो ये देखिए गाइस, सुनिए आवाज़ आप, ऐसा लग रहा है ऐसे मोटर चल रही है, इसका मतलब ये हुआ कि पानी हो गया है, अब ठीक चल पड़ा है बढ़िया फ्लो। तो अब यहाँ से चलते हैं नीचे की ओर। अब एक जॉइंट मैंने गाइस यहाँ पर खोला था, अब उस जॉइंट के पास कन्फर्म कर लेते हैं कि पानी आया या नहीं। कैसे नहीं आता गाइस, देखिए कैसे नहीं आता, ये आ गया पानी यहाँ पर, ये देखिए ये। अब हम इस वाले पाइप को भी यहाँ पे जोड़ देंगे। तो गाइस मम्मी कह रहे हैं कि भैया बेर के दिपाए, बेर मतलब कि भैया देर कहाँ कर दी। मम्मी को क्या पता कि यार मैं अपनी YouTube फैमिली को बता रहा हूँ कैसे कैसे पानी जोड़ते हैं। आहा, गाइस कुछ इसी तरह से ना, पहले बान के पेड़ में ना स्याही होती थी रेड कलर की, और हम लोग उसको जो प्राइमरी स्कूल में पढ़ते थे, तो उस समय जो है हम पेड़, जो बान के पेड़ में इस तरह के होल्स होते थे, और वहाँ पर ना कुछ बान से निकलता है, और उसके बाद वो पानी से मिलकर ना वो लाल रंग की स्याही बनाता है, उसी को ही हम यू नो इंक के तौर पर यूज़ करते थे, और इसको तख्ती लिखनी। गाइस आप लोग बताइएगा किस किस ने बान की स्याही से तख्ती पर लिखा है, कमेंट करें ज़रूर गाइस कमेंट। ये देखिए गाइस, अरे यार मैंने कहा था ना कुछ दर्द हुई, वो बिच्छू कुटी लगी भैया। ये देखिए इसने बिल्कुल फ्रेश फ्रेश होती है। ओ माय गॉड, वो देखिए गाइस ऊपर कुछ गिरा। ओ माय गॉड, सीरियसली रियली आई वाज लकी, या तो ऊपर बंदर है उस बड़े पेड़ से गाइस, वहां से ना पूरा आई थिंक 10-15 फुट का ना पूरा पूरी पूरी जो ब्रांच गिर गई है उसकी, बान के पेड़ की, और मैं जस्ट उसी रास्ते से आया गाइस, और मेरे सर के ऊपर भी आ सकती थी गाइस वो। ओह है क्या यार, बंदर है वो, क्योंकि पहले भी कुछ आवाज़ हुई इधर से ना, इस साइड से आवाज़ हुई इस जंगल टहनी। गाइस थैंक्स, आई वाज लकी। देखिए गाइस लिंगूड़, तो आज बनेगी लिंगूड़ की सब्जी भी, देखिए थोड़ा सा और एडिशन हो रहा है लिंगूड़। पूछ पूछ और इसी मम्मी, हाँ अरोड़ा देखिए भाई, पहुंच गए हम लोग वापस। काविश को दिखाते हैं लिंगूड़ा, काविश को पूछते हैं पहले कि काविश ये क्या है।
पहले तो ये कंफर्म करते हैं पानी आ गया। देखिए गाइस आवाज़ सुनिए आप, ये देखिए वो टंकी में लगा है पानी। देखिए अब इस लिंगुड़ को धोया जाएगा, ये देखिए अब देखिए कितना फ्रेश हो गया है, ये सारे हेयर निकल जाते हैं गाइस। देखिए खावेश को दिखाते हैं अब लिंगुड़ की सब्जी, देखना उसकी खुशी देखना। आ गया ऊपर ही पहुंचना पड़ा। हाँ हाँ ऊपर ही फंसा हुआ था। खावेश देखो पापा क्या लाए, जल्दी खोलो डोर, खोलो ओपन द डोर, ओपन द डोर, लो वाह। खावेश क्या है बेटा ये? मामा बताओ मामा को क्या है ये? मामा को पूछो क्या है बेटा। मामा लो लिंगुड़, चलो दोनों हाथ से पकड़ो बेटा, आप दोनों हाथ से दोनों इंडू। हाँ वाह मामा को दो देखा। तो गाइस मैंने बताया था, देखिए खावेश कितना खुश होगा लिंगुड़ को, ये मम्मा को दे दिया खावेश ने। थैंक यू बोलो, वाह थैंक यू। खावेश क्या था बेटा ये? खुश हुए आप लिंगुड़ को देख के? ये 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 वाह। मम्मा मैं तो चुकंदर लेके आई थी। चुकंदर की बनाओ, इसको बनाओ खावेश। कहाँ गए आप? कहाँ हो दादी के पास जाओ। चुकंदर बोल रहे आप, आप बोले मेरे को हरी सब्जी बनानी, मैं सोचा अपने खिलौने हेलीकॉप्टर, खावेश का हेलीकॉप्टर, चलो ले चलते हैं खावेश को। खावेश चलते हैं हेलीकॉप्टर चलते घूमने, चलो। तो ये देखिए गाइस, ये है वो लिंगड़ का अचार, देखिए जिसकी मैं बात कर रहा था, तीन डब्बे में डाले हैं लिंगड़ का अचार। देखिए ये देखिए मजेदार।